हेलो फ्रेंड्स मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स क्रिकेट का डब्ल्यू जो हो रहा था उसका फाइनल मैच का और ये जो फाइनल मैच है ये भी जो है अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएगा ठीक है दोस्तों इस पूरे स्टेडियम में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जैसे कि कभी स्कोर बहुत ज़्यादा हाई बनता है कभी लो बनता है कभी पिच पर ही बैटिंग पिच पर जो है लोअर लो स्कोरिंग आ, होता है जैसे कि लास्ट मैच आप एलिमिनेटर वन देख लीजिए वो पिच नंबर थ्री पे था जो कि हाई स्कोरिंग पिच थी ठीक है और हाई स्कोरिंग पिच में जहाँ पे एवरेज टोटल 180 रन था वहाँ पे बना फर्स्ट इनिंग में कितना 138 रन ठीक है 135 सौ पैंतीस एक रन बना ठीक है और उसको टीम चेंज नहीं कर पाई और मैच जो है एम हार के बाहर हो गई ठीक है फाइनल में आपका मिलेगी आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच है आर जो है अपना एलिमिनेटर फर्स्ट राउंड जीत के आ रही है वहीं दिल्ली में भर भर के ऑलराउंडर भर भर के बैट्समैन भरे पड़े हैं किन बैट्समैन को लेना है अपने को किन बैट्समैन को ड्रॉप करके चलना है कहां से आर के प्लेयर को लेना है किस विकेट कीपर को लेना है हर एक चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ कलेक्शन परसेंटेज का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली सलेक्शन परसेंटेज Uh, मैं आपको बताया था कि हर एक ड्रीम टीम में ठीक है लगभग तीन से चार खिलाड़ी ऐसे हैं जो ट्रंप प्लेयर होते हैं जो सिलेक्शन परसेंटेज जिनका थर्टी परसेंट से कम होता है वो होते ही होते हैं ठीक है तो उन प्लेयर्स को भी हम फाइंड आउट करेंगे उन प्लेयर्स को भी हम देखेंगे कि कौन से वो प्लेयर हैं किन प्लेयर को हमको लेना चाहिए और किन को ड्रॉप करके चलना चाहिए कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फिक्स प्लेयर हैं उनको हम ड्रॉप करके चल सकते हैं ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे तो बने रहिएगा इस वीडियो में ठीक है और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना ना भूलेगा ठीक है क्योंकि वहाँ पे मैं आता हूँ छः बज के पचास मिनट पर लाइव पहली चीज़ दूसरी चीज़ ये पीडीएफ अपलोड करता हूँ ताकि डेटा की कोई कमी ना हो तीसरी चीज़ जो पिच होने वाली है पिच की कंडीशन क्या है वो वहाँ पे मैं आपको पोस्ट करता हूँ ठीक है चौथी चीज़ मैं ये बताता हूँ कि कौन से कैप्टन को बनाना चाहिए आज के मैच के लिए कौन से वाइस कैप्टन को बनाना चाहिए हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपडेट आपको मिलेगी तो टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन होना ना भूलेगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे होना है ठीक है इसी वीडियो में यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखेगा आपको बटन मोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिखेगा टेलीग्राम लिंक ठीक है टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा आप सिंपली जाके क्या हो सकते हैं ज्वाइन हो सकते हैं एक बार आप ज्वाइन हुए सारी चीजें चारों पांचों चीजें आपको मिलने वाली हैं वो भी फ्री में जीएल की टीम फ्री में एस की टीम फ्री में ठीक है बाकी ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे दूंगा ही दूंगा एस तो हर कोई देता है ठीक है एस एल जिस एस के साथ मैं खेलता हूँ जिस जी के साथ मैं खेलता हूँ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ बट अब मैं चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग हो आप थोड़ा फोकस करें लर्निंग पे किसी का दिए हुई चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत ना पड़े अपनी टीम बनाए अपने लॉजिक के साथ टीम बनाए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म गोल में ठीक है आने वाले टाइम में ठीक तो ये सारी चीज़ें आप कर लो करने के बाद भाई गिव अवे है ठीक है सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला है इस मैच में उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा सबसे ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है उसका एवरेज क्या होगा ठीक है ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना आपको दो हजार रुपए का गिव अवे है इस वीडियो में दो हजार रुपए का गिव अवे है सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा विकेट सबसे ज्यादा रन बनाने वाले का स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा विकेट मारने वाला का जो है इकोनॉमी ठीक ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाके तो जाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या पता लक आपका साथ दे जाए दो हजार का गिव अवे आप जो है जीत जाए अब आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अरुण जेटली स्टेडियम का स्टैट्स देख लेते हैं ताकि हमें जो है बेनिफिट मिले है ना कि किस टाइप का मैच होगा और जो है वहां पे क्या रन बनने वाला है वो सारी चीजें तो अभी तक दस मैच यहाँ पे हुए हैं दस में, मैच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सात मैच जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और तीन मैच जो है बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जीती है बिलो एक रन चार बार रन बन चुका है यहाँ पे 150 से एक रन दो बार रन बन चुका है अब देखिए यहाँ पे कितना फ्लेक्चुएशन है इसी 10 मैच में से ठीक है डेढ़ सौ से नीचे चार बार है डेढ़ सौ से एक सौ उनसठ के बीच में दो बार है एक सौ सत्तर से एक सौ नवासी के बीच में एक बार है और एक सौ नब्बे से जो है ऊपर तीन बार रन बन चुका है यानी सेम ग्राउंड पे इतना रनों का फ्लैक्चुएशन है इतना रनों का अंतर है तो ये टोटली डिपेंड करता है कि मैच जो है किस पिच पे हो रहा है और उस पिच के अकॉर्डिंग ही जो है वहां पे रन बनता है तो मैं टेली ये बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस पिच पे मैच होने वाला है मैच स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले ताकि जब भी आप अपनी टीम बनाए तो आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो ठीक है तो आप जो है भाई ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल ठीक है एवरेज स्कोर की बात करें तो एक रन और 180 रन के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है हाईएस्ट टोटल की बात करें तो एक सौ रन है हाईएस्ट टोटल लोएस्ट टोटल की बात करें तो एक रन 10 विकेट के नुकसान पे लोवेस्ट टोटल है तो ये पूरा लेखा जोखा है वहाँ के अरुण जेटली स्टेडियम का अब हम बात कर लेते हैं कुछ पिछले मैचेस की कि यहाँ पे कितने रन बने हुए हैं अभी तक ठीक है तो आप अभी मैंने यहाँ पे चार मैच लिया है ठीक है रिसेंट चार मैच अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए यहां स्पिनर का रिकॉर्ड देखिए नौ विकेट है यहां पे ठीक है पांच विकेट है यहां पे चार विकेट है यहां पे और आठ विकेट है यहां पे टोटल अगर स्पिनर की बात करेंगे तो छब्बीस विकेट इन चार मैचेस में स्पिनर ने लिया है और पेसर ने कितना लिया है भाई बीस विकेट लिया है जिसमें से छह विकेट तो एलिस पैरी का एक ही मैच में है उसको हटा देंगे तो केवल चौदह विकेट है ठीक है यानी 26 और 14 आप देख सकते हैं कितने का अंतर है ठीक है एक मैच एलिस पैरी ने छः विकेट मारा था उसके पहले तो मतलब बाकी सारा जो है पेसर को विकेट यहाँ पे मिलता नहीं तो सबसे बड़ा अंतर और सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की है तो 26 विकेट है स्पिनर को स्पिनर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है अभी तक है ना ठीक है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जैसे ये वाला मैच था एम आई वर्सेस आर का मैच था और आर के एलिस पैरी ने जो है छः विकेट मार दिया इसलिए आपको यहाँ पे पेसर में नौ विकेट दिख रहा है अदरवाइज यहाँ विकेट इतना दिखता नहीं है ना तो नौ पेसर की बात कर लिया जाए तो तीन विकेट यहां से है ठीक है पहले मैच से ठीक चार विकेट केवल दूसरे मैच से है नौ विकेट जो है पहले तीसरे मैच से है और चार विकेट जो है आपका जो है चार विकेट किससे है फोर्थ वाले मैच से यानी इतना कम तीन चार विकेट ही मिलता है ठीक है अगर आप पेसर की बात करेंगे तो वो एक्सेप्शनल मैच था जो एलिस पैरिन ने इतना पॉइंट दिया और आरसीबी जो है उनकी वजह से जीत गई ठीक है तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दिया हूँ ये क्रक्स दे दिया हूं क्योंकि ये इतना कोई देने वाला नहीं है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में कितना मैच हुआ है तो अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में भाई चार मैच हुआ है और चारों का चारों कौन जीता हुआ है आरसीबी जीती आर सॉरी दिल्ली कैपिटल्स जीती हुई है ठीक है और दिल्ली कैपिटल्स अपना दोनों का दोनों मैच जीत के आ रही है वहीं अगर जो है यहाँ मिसप्रिंट हो गया है आर सी को अगर हम बात करें तो आर जो है दोनों का दोनों मैच जो है अपना जीत के आ रही है ठीक है तो चीज़ों को समझने की जरूरत यह है कि इस पूरे जैसे कल का मैच देखा था आपने तो उसमें भी चार आ, मैच हुए आरसीबी आर और जो है एम के बीच में जिसमें से तीन मैच जो है यहाँ पे आर जीती हुई थी और एक मैच जो है सॉरी तीन मैच एम जीती हुई थी और एक मैच जो है आर जीती हुई ठीक है और कल के मैच में आर जो है विन हो गए तो ये पलटवार चल रहा है और होपफुली ठीक है अब फाइनल मैच है जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा बट अपने को क्या है पैसा बनाना है तो हम दोनों तरफ से टीम बनाएंगे ठीक है आर के भी प्लेयर्स को लेंगे हम बैलेंस टीम बनाएंगे और जो है दिल्ली कैपिटल्स के टीम प्लेयर्स को भी लेंगे क्यों क्योंकि जो है दोनों की दोनों एक स्ट्रांग टीमें हैं और जब भी स्ट्रांग टीमें हैं तो हमको एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है ठीक है दोनों ही टीमों का क्योंकि उन दोनों टीमों में ही भर भर के अच्छे बैट्समैन होंगे अच्छे ऑलराउंडर होंगे अच्छे गेंदबाज होंगे चीज़ों को समझने की जरूरत है आपको ठीक है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो दिल्ली कैपिटल्स में सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट और फिक्स प्लेयर अगर मानेंगे आप तो मैगलिंगन हर एक मैच में लगभग चली हुई है ठीक है शेफाली वर्मा हिट एंड मिस प्लेयर हैं ठीक है मतलब ये रिस्की प्लेयर है कैप्सी जो है आपकी अगर फर्स्ट इनिंग में खेल रही है दिल्ली कैपिटल्स तो जो है अच्छी प्लेयर हैं ठीक है जमीमा भी एक अच्छी प्लेयर है कैम भी एक अच्छी प्लेयर है ठीक है मतलब ये फिक्स प्लेयर बता रहा हूँ मैं आपको जैसन uh, भी एक फिक्स प्लेयर हैं और यहाँ से राधा यादव जो है टॉप लगभग टॉप विकेट टेकर हैं ठीक है तो ये uh, कुछ फिक्स प्लेयर हैं आपकी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अगर बात करें और अरुण धती रेड्डी और जो है आपकी शिखा पांडे में से आप किसी एक को ले सकते हैं जो आप फिक्स प्लेयर मान रहे हैं यानी एक ये दो ठीक है और उसके बाद तीन चार पांच छ सात ये सात खिलाड़ी आपके जो है दिल्ली कैपिटल से फिक्स हो गए ठीक है उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि किनको जो है आरसीबी की तरफ से कौन से रिस्की प्लेयर हो सकते हैं अगर सॉरी फिक्स प्लेयर हो सकते हैं अब हम बात करते हैं रिस्की प्लेयर की तो रिस्की प्लेयर में मनुमनी ठीक है यहाँ पे तानिया भाटिया तो मतलब पूरे मुझे लगता है कि वुमेन्स में इनको लेना मतलब मूर्खता का काम है क्योंकि इनका लोअर डाउन ऑर्डर आता है बहुत नीचे आती हैं तो थोड़ा दिक्कत है है ना तो मनुमनी हो गई ठीक है और जो है आपकी अरुण धत्ती रेड्डी ये भी आपके क्या है आपकी ट्रम्प प्लेयर रहती हैं हर बार ठीक है तो ट्रम्प प्लेयर ये हो गई इसमें से इस पूरी टीम से आपको दो से तीन ट्रम प्लेयर ही मिलेंगे दो ट्रम प्लेयर है ना दो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है थर्टी परसेंट से कम है तो उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये वीडियो में अभी आके आपको बताता हूँ बात कर लेते हैं स्टार्टिंग ओवर और एंडिंग ओवर के जो मैच सॉरी मैचअप की दो कैंप जो है इनकी ऑलराउंडर जो साउथ अफ्रीका की बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक मानी जाती हैं ठीक है पहला ओवर तीसरा ओवर और पांचवा ओवर फेंकने आती हैं। शिखा पांडे की बात करें तो दूसरा और छठा ओवर फेंकने आती हैं। जेनेसिन की बात करें तो चौथा ओवर फेंकने आती हैं, ठीक है यानी इस तरीके से स्टार्टिंग ओवर खत्म हो जाता है डेथ ओवर की अगर हम बात करें तो जेनेसन अरुंधति, रेड्डी और शिखा पांडे जैनसन फेंकती हैं सोलावा अठारहवां और बीसवा और अरुण धत्ती रेड्डी फेंकती हैं सत्रहवां और सीखा पांडे फेंकती हैं उन्नीसवां तो सबसे ज्यादा अगर विकेट लेने की प्रॉबिलिटी किसी की बन जाती है तो वो है आपकी जेनेसन की पहली और कैंप की क्यों कैंप क्यों 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 की क्योंकि ये नई बॉल से फेंकती हैं तो इसलिए या तो नई बॉल में ज्यादा हरकत होगी तो ये विकेट मिलेगा अगर हरकत नहीं होगी तो विकेट ज्यादा नहीं मिलने के चांसेस है लेकिन जेनेसन को मारने के चक्कर में लोग आउट हो जाते हैं इतना मैं बता रहा हूँ तो जेनेसन एक की प्लेयर हो सकती हैं कल के मैच के लिए और आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं कल के मैच के लिए ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अब देख लेते हैं प्लेयर का जो बैट्समैन है उनके रिस्टैट्स भाई मैगलिंगन तो अपनी टीम में जीएल की टीम में चाहिए बड़ी प्लेयर बड़े मैच में चलती ही है ठीक है तो आपको मैं बता ही चुका हूं शेफाली वर्मा लास्ट मैच में चली चुकी है इकहत्तर का रन है तो आप अगर पांच टीम बना रहे हैं तो केवल दो टीम में शेफाली वर्मा को रखने की जरूरत है तीन टीम में आप मत रखिएगा मैं भी अपनी टीम में हो नहीं रखने वाला हूं क्योंकि लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा था इसलिए जो है इनको नहीं रखूंगा एलिस कैप मतलब लास्ट एलिस कैप्सी लास्ट मैच में ही बोला था भाई इनको मत लीजिएगा आप लोग देखिए परफॉर्मेंस देखिए जीरो रन जीरो विकेट भी लिया हुआ है लेकिन इस मैच में जीएल की टीम में ये मेरी होंगी ठीक है इतना मैं बता दे रहा हूं आपको जमीमा की बात करें तो जमीमा जो है इस मैच में मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूं ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग से दो तीन बल्लेबाज लेने के बाद जो है मैं जमीमा को इस मैच में ड्रॉप करके चलूंगा एटलीस्ट दो टीम में तो ड्रॉप करके ही चलूंगा कैंप की बात करें तो मरीजा कैंप को अपनी टीम में जीएल की टीम में हम रखने वाले हैं जेनेसन भी रहेंगी अपनी टीम में ठीक है अरुण धत्ती रेड्डी और शिखा पांडे में से किसी एक को लेने वाला हूँ और मोस्टली चांस है मेरे पास कि मैं अरुण धत्ती रेड्डी के साथ जाऊँ क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखिए 19 परसेंट है यानी ये एक ट्रम्प प्लेयर है और ये ट्रम्प प्लेयर का रोल अदा कर सकती है कल के मैच के लिए राधा यादव लगातार दो मैच में विकेट नहीं मिला है इस मैच में भाई ये फोड़ देगी लड़की ठीक है अगर थोड़ा भी कुछ हुआ ऊपर नीचे तो इसका रहना बहुत जरूरी है और उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं ये दो से तीन विकेट ले सकती हैं कल के मैच के आज के मैच के लिए शिखा पांडे को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूं ठीक है लास्ट मैच में दो विकेट मिला था सिलेक्शन परसेंटेज देखिए चौबीस परसेंट है इसलिए मैं इनको आज के मैच में ड्रॉप करके चलूंगा तानिया भाटिया बहुत नीचे आती हैं इनको तो भाई लेने का कोई मतलब ही नहीं है मनुमनी की बात करें तो मनुमनी ने जो है लास्ट मैच में जो है दो विकेट लिया था ठीक है और इकलौती ट्रम प्लेयर थी जो मेरी टीम में थी सलेक्शन रेशियो अब देख लिया सात परसेंट है ठीक है इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी फाइनल टीम ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगी या नहीं होंगी आप देख लीजिएगा अब हम बात कर लेते हैं बैंगलोर वुमेन्स की प्रॉबल प्लेइंग इलेवन की तो बैंगलोर वुमेन्स में आप देखिए फिक्स प्लेयर में बताता हूं आपको स्मृति मंदाना सोफी डिवाइन ठीक है एलिस पेरी ठीक और आपकी रिचा घोष ठीक है और फिर वैरहम ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था सूफी ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था और इधर से नीचे से आशा ठीक है मतलब और श्रेयका पाटिल भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन छोड़िए है श्रेयंका पाटिल को अभी एक दो तीन चार और चार तीन सात सात प्लेयर यहां से हो गए यानी टोटल आपके चौदह प्लेयर हो रहे हैं फिक्स प्लेयर चौदह प्लेयर ठीक है फिक्स प्लेयर में से चौदह प्लेयर अब इन फिक्स प्लेयर में से चौदह प्लेयर में से आठ प्लेयर आपको लेना है कौन से आठ प्लेयर होंगे वो, वो उसके लिए आप क्या देखेंगे स्टैट्स देखेंगे और स्टैट से ही आपको पता चलेगा कि किनको किनको लेना है और किनको किनको ड्रॉप करना है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की तो यहां पे आप देखिए लगभग पांच से छह बॉलर जो है पावर प्ले में यूज होते हैं ठीक है रेणुका सिंह पहला ओवर करके ठप हो जाती हैं भाई ठीक है श्रियंका पाटिल आती हैं दूसरा और चौथा ओवर करती हैं सूफी डिवाइन आती है एक ओवर फेंक लेती हैं एलिस पैरी भी एक ओवर फेंक लेती हैं और जो है आ, सोफी भी जो है एक ओवर फेंक लेती हैं ठीक है यानी अगर अब हम बात करें यहाँ की स्टार्टिंग ओवर में विकेट किसको मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट अभी तक देखा गया है तो सूफी डिवाइन को मिलता है ठीक है एज अ पावर प्ले में ठीक लेकिन अगर हम वही बात करें डेथ ओवर की तो डेथ ओवर में एलिस पैरी को सबसे ज्यादा विकेट मिल मिलता है ठीक है श्रियंका पाटिल को सबसे ज्यादा विकेट मिलता है और आशा को सबसे ज्यादा विकेट मिला हुआ है ठीक है यानी ये तीन तो अगर आप ले रहे हैं तो इन तीनों में से किसी दो को तो अपनी टीम में आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप जो है जीएल के कॉन्टेस्ट में नंबर वन आना चाहते हैं तो ठीक है तो ये रही बात बॉलर्स की अब हम बात कर लेते हैं बैट्समैन की तो मंदाना लगातार दो तीन मैच से नहीं चली हैं फिर से मैं जीएल में इनको ट्राई करने वाला हूं क्योंकि बड़ी प्लेयर बड़े मैच में चलती हैं ठीक है तो जीएल की टीम में ये मेरे टीम में होंगी ठीक है सूफी डिवाइन पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है ठीक है अगर आप बात करेंगे और सूफी डिवाइन की तो तो इनको अपनी टीम में अगर आप जो है रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एक लोग एक ये प्लेयर है जिनको मैं कट करके चलने वाला हूं ठीक है नहीं लेने वाला अब बैट्समैन तो बिल्कुल मत लीजिएगा एज अ बॉलर ले सकते हैं ठीक है एलिस पैरी भाई तगड़े फॉर्म में है ठीक है छाछठ रन एक विकेट चालीस रन छह विकेट उनचास रन चौबीस रन, रन, रन सब लोग लेने वाले हैं एलिस पैरी को अपन ड्रॉप करके चलेंगे ठीक है इस बार ड्रॉप करके चलने वाले हैं एक रिस्क लेते हैं एटलीस्ट दो टीम में तो आप ड्रॉप कर ही दीजिएगा ठीक है मैं म, मुझे पता है कि आपका मन नहीं मानेगा ड्रॉप करने से लेकिन आप दो टीम में जरूर ड्रॉप करिएगा ठीक है आप दो टीमें इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल मत बनाइएगा ठीक दिशा कशत की बात करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए मैंने एलिस पैरी को भी हटा दिया सूफी डिवाइन को भी हटा दिया ठीक है यानी इन दोनों को अगर हटा दिया तो दिशा कशक को मैं अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर रखूंगा क्योंकि अगर इन दोनों का विकेट गिरेगा तो दिशा कशक आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए और मेरा मानना है कि ये बीस तीस रन बना के आपको देंगी ठीक है यहाँ थोड़ा सा फिर जॉर्जिया वेरहम की बात करें हम तो जॉर्जिया वेरहम को आपको अपनी टीम में रखना है ठीक है कल के मैच के लिए श्रियंका पाटिल की अगर हम बात करें तो इनको भी विकेट मिलता है ठीक है इनको भी विकेट मिलता है तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं ठीक है और श्रद्धा की बात करें तो अभी तक लगातार इनको विकेट नहीं मिल रहा है तो कल के मैच के लिए होपफुली इनको विकेट ना मिले आशा की बात करें तो आशा को जो है आपको टीम में रखना है एक विकेट तो इनको मिल ही जाता है हर बार एक विकेट तो हर बार ही मिल जाता है रेणुका सिंह लगातार भाई देखिए आप कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है इनकी जीरो 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 ठीक है तो होपफुली ठीक एक टीम में मैं इनको अपने रखूंगा बाकी चार टीम में मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ किस टीम में होंगी किस कॉम्बिनेशन के साथ होंगी ये आपको मिल जाएगा फाइनल टेलीग्राम टीम में टेलीग्राम चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल भाई दोस्तों ज्वाइन होना ना भूलिएगा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल की तो प्लेयर बैटल में आपको क्लियर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किन प्लेयर्स को ड्रॉप सही में कर देना है ठीक है अगर हम बात करें मैगलिंगन की तो डिवाइन ने 11 मैच में तीन बार आउट किया है यानी कोई मैचअप नहीं है ठीक है फिफाली की अगर हम बात करें तो चार मैच में आठ बार एलिस पैरी ने आउट किया हुआ है तो हो सकता है कि कल की इस मैच में भी जो है आपका एलिस पैरी जो है इनको आउट कर दें ठीक है एलिस कैप्सी क्या, की बात करें तो रेनका सिंह ने दो बार आउट किया है यहां भी कोई मैचअप नहीं है इसलिए मैचअप नहीं है क्योंकि रेणुका सिंह उस तरीके के फॉर्म में है नहीं ठीक है रोड्रिकेस की बात करें तो यहाँ भी दस इनिंग में दो बार आउट किया है एलिस लिस्पैरी ने कोई मतलब नहीं है ठीक है लोग आउट हो ही जाते हैं मरीजंग कैम्प को सूफी डिवाइन ने चार मैच में दो बार आउट किया है यानी ये एज अ बैट्समैन तो थोड़ा चलने के चांसेस कम हैं ठीक है तो आपको इस इस बैटल में और पुख्ता सबूत मिल गया कि किन को ड्रॉप करके चलना चाहिए अब हम बात कर लेते हैं बैंगलोर की तो बैंगलोर में मंदाना को मंदाना को भाई मर्जा कैम्प जेनेसन और कैप्सी अगर कैम्प की बात करें तो बारह मैच में चार बार आउट किया है जेनेसन ने चार मैच में दो बार आउट किया और कैप्सी ने चार मैच में दो बार आउट किया है मंदाना को तो ये ये आउट कर सकती है लेकिन बड़ा प्लेयर है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा हमें है ना राधा यादव ने एलिस्पेरी को छ मैच में दो बार आउट किया है जेनासन ने उन्नीस मैच में सात बार आउट किया है और कैंप ने सात मैच में तीन बार आउट किया है तो आप जो है ये उम्मीद लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कोई एक जो है एलिस पैरी को आज के मैच में खा जाएगा और खा जाएगा तो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है भाई बढ़िया है है ना अपने को तो एलिस्पेरी मुझे चाहिए ही नहीं मैं तो इसलिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ और सोफी डिवाइन की बात करें Osionfish. और जो विकेट मार रहा है उसमें तीनों का तीनों जो है अपनी टीम में है ठीक है तीनों के तीनों को टीम अपने में लेना है ठीक थीकर, है सूफी डिवाइन की अगर हम बात करें तो जेनसन ने इक्कीस इनिंग में सॉरी इक्कीस इनिंग में चार बार आउट किया है कैंप ने बारह इनिंग में दो बार आउट किया तो ऐसा कुछ मैचअप नहीं है बॉलिनिक्स की बात करें तो कैंप ने दो मैच में बी दो बार आउट किया हुआ है ठीक है तो यहां भी कुछ ज्यादा मैचअप आपको दिखने को मिल नहीं पाएगा मैचअप है भाई सबसे ज्यादा कैप्सी वॉसेज जो है मानदाना ठीक है अगर मानदाना स्टार्टिंग का चार ओवर निकाल ली तब तो बहुत डेंजरस हो जाएंगी अगर नहीं निकाल पाए तो ये इतने में ही निपट जाने वाली हैं ठीक है तो ये रही बेहतरीन जो है अभी तक मेरी तरफ से प्लेयर बैटल की बात अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बॉलर हैं जिनको किस टाइप के बॉलर को यहाँ पे विकेट मिला हुआ है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को सत्रह मैच में फर्स्ट इनिंग में विकेट मिला हुआ है ठीक है इनिंग में तेरह विकेट मिला हुआ है राइट एंड फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में जो है 22 विकेट है विकेट और सेकेंड इनिंग में भी बाइस विकेट है ठीक है तो राइट आर्म फास्ट बॉलर आप ले सकते हैं जैसे कि एलिस पैरी हो गई सूफी डिवाइन हो गई ठीक है आपकी शिखा पांडे हो गई तो इस टाइप के प्लेयर्स को यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिल सकती है राइट आर्म स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में इक्कीस विकेट है और जो है अठारह सेकंड इनिंग में अठारह विकेट है तो इस तरीके का कुछ मैचअप होने वाला है अगर आप बात करेंगे राइट हैंडर तो। तो तो कि किस -किस है। पैरी को ठीक है एलिस पैरी ठीक सूफी डिवाइन को भी मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके चलेंगे शेफाली वर्मा ठीक है और जो है जमीमा को ड्रॉप करके चलने वाले हैं जमीमा ना और जो है आपकी ओ, ओ, शिखा पांडे को ड्रॉप करके चलने वाले हैं ठीक है शिखा पांडे नहीं रहेंगी मेरी टीम में ठीक और को कौन यहाँ से पांच प्लेयर तो आपको दिख गए ठीक है ये पांच प्लेयर अपने टीम में नहीं रहेंगे एक है आपकी श्रियंका पाटिल ठीक है श्रेंका पाटिल और आशा में से किसी एक को रखने वाला हूं मैं ठीक है इन दोनों में से किसी एक को यानी इस तरीके से आपको आठ खिलाड़ी मिल जाएंगे जो फिक्स प्लेयर हैं ठीक है जो फिक्स प्लेयर हैं अब हम बात कर लेते हैं ट्रम्प प्लेयर्स की तो ट्रम्प प्लेयर में आपको अरुण धत्ती रेड्डी मिल जाएंगी अरुण धत्ती रेड्डी ठीक है उसके बाद जो है आ, कशक मिल जाएंगी आपको दिशा कशक दिशा कशक ठीक है और एक प्लेयर आपके ऊपर है आप कौन सा प्लेयर रख रहे हो ठीक है कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो इस मैच के लिए मैं आ, आ, कैंप को कैप्टन बना सकते हैं आप लिनिंग को कैप्टन बना सकते हैं आप मैगलिनिंग को ठीक है कैप्टन बना सकते हैं कैम्प को भी कैप्टन बना सक चल सकते हैं और किसको कैप्टन बना सकते हैं आप जेनेसन को कैप्टन बना सकते हैं आप राधा यादव को कैप्टन बना सकते हैं या वॉइस कैप्टन बना सकते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन के इस मैच के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट बॉक्स है दो का गिव अवे है ठीक है फटाफट कॉमेंट करिए कि जो है और सबसे ज़्यादा रन बनाए कौन बनाएगा स्ट्राइक रेट क्या होगा सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा उसका स्ट्राइक रेट इकोनॉमी रेट क्या होने वाला है ये दो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए ठीक है और मैं ये चीज़ बता दे रहा हूं कि अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं जाइए ज्वाइन हो जाइए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूँ चेकआउट कर लीजिए एक बार अगर आपको नहीं लगे कि ज्वाइन नहीं करने लायक है तो मत करिएगा लेकिन एक बार चेकआउट तो कर लीजिए ताकि जो है आपको प्रूफ मिल जाए आपको दिखे दिखे कि हाँ भाई जो है टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे काम होता है इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है तो जाइए उसको ज्वाइन हो जाइए दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही हिंद